Assalamu alaikum students beta, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students beta, humne biology 9 chapter number 1 introduction to biology shuru kiya hua hai aur aaj hum uske next lecture ke upar baat karenge. The lecture the levels of organization. Is टॉपिक के हमने फर्स्ट टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने कल के लेक्चर में बेटे हमने बात कर ली है. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के ऊपर बात कर ली है. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बात कर ली है और हमारा आखिरी पॉइंट ये था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, विच आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. वो हमने पढ़ लिया. आज हम बेटे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल. ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, हम इन्हें अलग अलग ही पढ़ेंगे. हम सबसे पहले देख रहे हैं बेटा कि ऑर्गेनेली लेवल क्या होता है, एक ऑर्गेनेली किस तरह से बनता है. बेटा एक एनिमल में जब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स असेंबल होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे तो वो एक नया यूनिट बनाते हैं. बायोमोलिक्यूल के एसोसिएट होने से, बायोमोलिक्यूल्स के कंबाइन करने से एक नया यूनिट बनता है बेटा, और उस नए बनने वाले यूनिट को हम एक ऑर्गेनेली कहते हैं. सो बुक ये कहती है कि बायोमोलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे, एक खास वे के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद एक नया जो यूनिट बनता है उस नए बनने वाले यूनिट को बेटा हम एक ऑर्गेनेली कहते हैं. चलिए एक और बात है बेटा, डेफिनेशन लिखी गई कि ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स. जो ऑर्गेनल्स हैं ये दरअसल सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल से छोटे हैं जिनसे मिलकर सेल बनते हैं. सो ऑर्गेनल्स आर एक्चुअली द सबसेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि बड़ा एक खास काम करते हैं, परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, बड़ा ही एक खास काम करते हैं. और सारे ऑर्गेनल्स जितने भी एक सेल में पाए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली एक सेल के अंदर बेटा एक डजन से ज्यादा ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और वो सारे के सारे ऑर्गेनल अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए खास होते हैं बेटा. तो ऑर्गेनेलिस होते हैं ये पर्टिकुलर काम के लिए स्पेसिफाई होते हैं. हम ये कहते हैं बेटा कि ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये स्मॉलर यूनिट भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली. ये स्मॉलर भी हो सकते हैं और ये लार्जर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं. तो हर एक ऑर्गेनल का साइज डिफरेंट होता है बेटा. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस और कुछ एक एग्जांपल के ऊपर बेटा. जिस वक्त ऑर्गेनल्स की टर्म इस्तेमाल की जाती है बेटा तो माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर. ये वाला पॉइंट, द डिवीजन ऑफ लेबर, ये टर्म किसी भी उस जगह पर इस्तेमाल होती है जहां पर ऑर्गेनल्स की बात आती है. डिवीजन ऑफ लेबर इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनल ने अपना खुद का काम करना है, किसी ऑर्गेनल ने किसी दूसरे का काम नहीं करना. ये यहां पर मैं दो एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, एक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक है राइबोसोम. अब इन दोनों का अपना अलग अलग काम है, इनमें से कोई एक दूसरे का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली तौर पर हम कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये वो ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन करवाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है. सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक करेगी और सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होगी. इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इसे हम सेल का पावर हाउस कंसिडर करते हैं. सेकेंड है बेटा राइबोसोम, द ऑर्गेनल which is involved in the synthesis of protein. एक ऐसा यूनिट जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाता है, synthesis of protein. तो प्रोटीन को बनाने वाला एक मेन यूनिट है. अब ये जो synthesis of protein है ये अपना उसका खुद का काम है. माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी प्रोटीन नहीं बनाएगी और कभी भी राइबोसोम सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं करता, हर एक ने अपना अपना अलग काम करना है. तो ये तो है बेटा सारे का सारा जो अब तक मैंने आपको पॉइंट बताया वो है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनल्स के बारे में. अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, विच इज ऑल अबाउट द सेल, कि सेल क्या होता है बेटा. एक इंडिविजुअल में जब
बहुत सारे ऑर्गेनल्स एसोसिएट होते हैं एक इंडिविजुअल सेल के अंदर, एक इंडिविजुअल पार्ट के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल जब असेंबल होते हैं तो वो यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं और हम उस यूनिट ऑफ लाइफ को बेटा सेल कहते हैं। तो मैंने ये कहा कि व्हेन द ऑर्गेनल्स आर असेंबल, जब ऑर्गेनल्स असेंबल होते हैं, ऑर्गेनल्स कंबाइन होते हैं, तो उनके एक साथ अटैच होने से जो यूनिट ऑफ लाइफ बनता है, यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को बेटे हम कहते हैं जी वो सेल है, वो सेल कहलाता है। द यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच इज मेड अप बाय द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन्स के इकट्ठा होने से बन गया है बेटा एक सेल, जिसे हमने कहा यूनिट ऑफ लाइफ है। बेटे यहां पर मैंने 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल से बनने वाले सेल्स का जिक्र किया है। सबसे पहला बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल, फिर आते हैं यूनिसेल और देन आते हैं मल्टी सेल। अब ये क्या है आपने यू ज़हन में रखना बेटा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अभी आपने एक डिफरेंस याद रखना है कि जिनके पास न्यूक्लियस है या नहीं है। इसमें जब हम चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको ये डिटेल में मजीद समझाऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी आप ये ज़हन में रखें कि प्रोकैरियोट वो सेल होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है हम उन्हें कहते हैं जी वो होते हैं प्रोकैरियोट, और जिनके पास परमानेंट न्यूक्लियस होता है, विजिबल न्यूक्लियस होता है, हम उन्हें कहते हैं जी वो यूकैरियोट है। तो अभी आपने डिफरेंसेस न्यूक्लियस की बेस पे याद करना, वरना डिफरेंसेस और भी हैं, हम उन्हें आगे डिस्कस करते हैं बेटा। फिर आते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। इनके नेम से क्लियर है बेटा, यूनिसेलुलर इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल आता है, मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा, यानी कि बहुत सारे सेल्स आते हैं। यूजुअली तौर पर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और कुछ प्रोटिस्ट, ये जो दो कैटेगरीज मैंने आपको लिखी हैं, प्रोकैरियोट्स और कुछ प्रोटिस्ट, सारे नहीं कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो रिमेनिंग प्रोटिस्ट हैं और फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स आते हैं, बहुत सारे सेल्स इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे बेटे बात करते हैं कि ऑर्गेनल्स कंबाइन करके सेल बन गए। अब हमारा नया जो लेवल शुरू हो रहा है, दैट्स अ टिश्यू लेवल। नेम से क्लियर है भाई, टिश्यू लेवल द टाइप ऑफ लेवल इन विच वी स्टडी अबाउट द टिश्यूज, ओके, जिसमें हम टिश्यूज के बारे में बात करते हैं बेटा। टिश्यूज के बारे में पढ़ना ये कहलाता है बेटा हिस्टोलॉजी। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको इस चैप्टर का दिया था तो उसमें मैंने आपको एक ब्रांच भी पढ़ाई थी हिस्टोलॉजी, जिसमें मैंने कहा था माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू इज नोन एज अ हिस्टोलॉजी। तो टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिकली तौर पर पढ़ना बेटा ये कहलाता था हिस्टोलॉजी। तो यहां पर वही बात मैं कर रहा हूं कि टिश्यूज में हम क्या चीजें रीड आउट करते हैं, टिश्यूज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कहा जाता है बेटा कि व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ द सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन असेंबल्ड टुगेदर दे मेक अ टिश्यू, कि जब एक ही तरह के सेल कंबाइन होते हैं और एक ही तरह का काम करते हैं तो वो जो यूनिट बनता है उस बनने वाले यूनिट को हम टिश्यू कहते हैं। व्हेन द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, सारे के सारे सेल जो कंबाइन करते हैं और सारे वो सेल जिनका काम भी एक जैसा है, अगर 5 सेल अटैच हुए हैं और उन सभी 5 का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन सब कुछ एक जैसा है, तो वो जो यूनिट बना है बेटा उस यूनिट को हम कहते हैं जी वो टिश्यू है। अभी जो टिश्यूज होते हैं बेटा इनका काम बड़ा खास होता है, जैसे कि ऑर्गेनल्स का अपना अपना फंक्शन होता है अलग अलग, बिल्कुल वैसे ही टिश्यूज भी अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, स्पेसिफिक रिलेटेड टू एरिया, जिस जगह पर पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं, और समटाइम इनके फंक्शन में थोड़ा सा एडिशनल फंक्शन भी ऐड हो जाता है।
एक टिश्यू अगर हमारी बॉडी के हर पार्ट में मौजूद है, उसका एक तो होगा कॉमन फंक्शन, लेकिन सेकंड फंक्शन होगा उस जगह के रेफरेंस से जहां पर वो मौजूद है। तो अपना काम भी करेगा और ऑर्गन जहां पर वो एरिया जहां पर उसकी वो साइट मौजूद है उसके साथ वो कुछ एडिशनल फंक्शन भी करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करेगा और कुछ एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करेगा रिगार्डिंग टू एरिया, एरिया के हवाले से वो कुछ खास काम भी परफॉर्म करेगा। तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं बेटा हम उन्हें टिश्यूज कहते हैं। आपको मैं क्या एक छोटा सा समझाने के लिए पॉइंट बताता हूं बेटा, आप कंसिडर करें ये है एक टिश्यू और उस टिश्यू के अंदर है जी ये फोर सेल्स। आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट इनकी शेप एक जैसी है, इनका साइज एक जैसा है, इनके सेंटर में न्यूक्लियस एक जैसे हैं, ये एक टिश्यू है। अब यहां पर जो सेल नंबर वन है ये वाला, सेल नंबर टू है ये वाला, सेल नंबर थ्री है ये वाला, सेल नंबर फोर है ये वाला, है चारों अलग अलग सेल लेकिन एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा फंक्शन करते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। बच्चों एनिमल और प्लांट की कंप्लीट बॉडी बेटा टिश्यू से बनी होती है। हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट तो सेल है लेकिन जब सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। यहां पर मैंने एनिमल और प्लांट्स के सेपरेटेड पॉइंट्स आपको बताने के लिए दो हेडिंग्स लिखी हैं। एनिमल्स की बॉडी में जो पाए जाने वाले टिश्यूज है बेटा वो कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है बेटा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू ये एक है। इसके अलावा एनिमल में मसल टिश्यूज भी पाए जाते हैं, ये दो टाइप के टिश्यू नर्वस हो गए मसल हो गए। इसके अलावा और भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू हैं, इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू हैं और भी बहुत सारे बेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्लांट्स टिश्यूज की बात करें तो प्लांट्स में आते हैं एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यूज। इसके अलावा प्लांट्स में पाए जाते हैं कंडक्टिंग टिश्यू जिन्हें जाइलम और फिलोइम कहते हैं, तो ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से हर एक का काम है, जैसे एनिमल में नर्वस सिस्टम टिश्यूज का काम है कम्युनिकेशन, मसल टिश्यूज का काम है मूवमेंट, प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यूज का काम है प्रोटेक्शन और जाइलम और फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो सेल से एक ही जैसे सेल से बनते हैं, हम उन्हें बेटा टिश्यूज कहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट लेवल है बेटा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम इन दोनों को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट ऑर्गन और सेकेंड पार्ट पे हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले ए पार्ट ए पॉइंट हम करते हैं। अच्छा बेटा, सीक्वेंस अब तक जो मैंने आपको बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बना, एटम कंबाइन करके एलिमेंट बने, एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से ऑर्गेनल्स बने, ऑर्गेनल्स के कंबाइन करने से सेल बना, सेल्स के कंबाइन करने से टिश्यूज बने। अब जब टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। When different type of tissues combine together and perform a particular function, के जब different tissues जब आपस में combine करें and perform a particular function और एक कोई खास काम करें particular function, तो वो जो नया unit बनेगा जो बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज के कंबाइन करने से बनेगा हम उसे एक ऑर्गन कहेंगे बेटा। तीन चार पांच या छह जितने मर्जी टिश्यू हो लेकिन जब वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होकर अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे बेटा। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है बेटा स्टमक की। एक पर्सन के अंदर स्टमक वैसे तो बहुत सारे टिश्यू से बना होता है लेकिन आपकी बुक में दो टिश्यूज की बात की गई है बेटा। अब उनमें से एक टिश्यू है बेटा जिसे हम कहते हैं उसका मसल टिश्यू, फर्स्ट टाइप टिश्यू है जी मसल टिश्यू, और सेकंड है ग्लैंडुलर टिश्यूज। ये दो अलग अलग तरह के टिश्यूज का जिक्र बेटा किया गया। अब ये दोनों ही अपनी तरफ से अलग अलग काम कर रहे हैं। देखिए मसल टिश्यू का काम अपना रहता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज का काम बदला जाता है, लेकिन जब ये दोनों स्टमक के अंदर आके काम करेंगे तो वो काम एक ऑर्गन का या स्टमक का बन जाएगा। ये बात समझ रहे बेटा, एक ऑर्गन में जितने टिश्यूज आते हैं हर टिश्यू का काम अलग होता है लेकिन जब वो कंबाइन करके काम करते हैं तो वो सारे के सारे टिश्यूज का फंक्शन उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है।
जैसे मसल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यूज का काम मिलकर स्टमक का काम बनेगा, और स्टमक का काम है जी फूड को डाइजेस्ट करना। अब कैसे, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, आप गौर करें इस डायग्राम में मैंने ये जो ब्लूइश आपको मार्किंग्स दिखाई हैं, ये दरअसल ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं और इन्होंने मिलकर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना है। दैट्स अ गैस्ट्रिक जूस, ये एक कंपोनेंट है, ऐसा कंपोनेंट जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, जिसने फूड के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना है। सेकेंड है मस्कुलर पार्ट, ये जो बाकी रेडिश मैंने आपको लाइन दिखाई है, ये मसल टिश्यू है। होता ये है कि ग्लैंडुलर टिश्यू जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर देता है, और ये जो मसल टिश्यूज होते हैं ये फूड के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके उसे आपस में मिक्स करते हैं, जैसे एक बलून हो और उसमें वाटर आप ऐड करें, उसमें कलर आप ऐड करें और उसको अच्छी तरह शेक करें, या उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें, उसको कंबाइन करें, जो मर्जी करें, वो आपस में मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही मसल टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो चीजें या वो गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हुआ है आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएगा बेटा, तो उससे स्टमक का काम पूरा होगा और वो होगा डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्टमक का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा ऑर्गन सिस्टम, ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑर्गन सिस्टम इज असेंबलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, के मुख्तलिफ ऑर्गन सब इकट्ठा होते हैं और एक कोई पर्टिकुलर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स असेंबल टुगेदर, जब मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स है वो इकट्ठे होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, जब एक कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो जो एक नया यूनिट बन जाता है बेटा, उस नए बनने वाले यूनिट को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं बेटा। अब जैसे ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है और ये सारे अलग अलग फंक्शन अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनते हैं और हर ऑर्गन अपना अलग काम करता है। लेकिन जब इन सभी अलग अलग ऑर्गन्स के कामों को इकट्ठा किया जाता है तो वो फंक्शन उस ऑर्गन सिस्टम का काम बन जाता है। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं बेटा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब बेटा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन के अंदर, ये जिन पार्ट से मिलकर बनता है उसमें पहले आता है माउथ, जिसमें शामिल है जी एसोफेगस। माउथ जिसमें शामिल है बेटा एसोफेगस, ये फर्स्ट कंपोनेंट। फिर आता है बेटा जी फेरिंग्स, ये हो गया फेरिंग्स, माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, फिर हो गया स्टमक, फिर हो गया जी स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके फर्दर आगे थ्री पार्ट्स, ड्यूडेनम, जुजनम एंड इलियम। फिर आ गया जी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके आगे जी फर्दर पार्ट्स, इसमें सीकम, कोलन एंड रेक्टम आता है। अब ये देखें यहां पर कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, माउथ है, एसोफेगस है, फेरिंक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट स्टमक, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आने वाले फर्दर पार्ट, हर एक का अलग अलग देखें काम है। लेकिन जब इन सभी के फंक्शन इकट्ठे होंगे, इन सभी के काम जब एक साथ आएंगे तो वो काम एक ऑर्गन सिस्टम का बनेगा और वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, टू डाइजेस्ट द फूड। ये सारे ऑर्गन अलहदा अलहदा काम करेंगे, हर ऑर्गन के अंदर टिश्यू अलहदा अलहदा काम करेंगे, लेकिन जब वो इकट्ठे होकर एक फंक्शनैलिटी करेंगे द डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बन जाएगा बेटा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और हमारा आखिरी पॉइंट बेटा, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन लेस होती है। आपसे एमसीक्यूज आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लेस कॉमन इन प्लांट, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो लेस डिवेलप होता है, लेस कॉमन होता है। जैसे कि रूट सिस्टम है, प्लांट्स में रूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, वो इतना ज्यादा पार्ट्स को अकॉम्प्लिश और उसके फंक्शनैलिटीज को डिफाइन नहीं करवाता है बेटा। तो इस सारे पॉइंट का एक मेन जो सेंट्रल की है वो ये है बेटा कि स्मॉलर यूनिट कंबाइन करके लार्जर बनते हैं,
और स्मॉलर यूनिट के फंक्शंस इकट्ठे होके लार्जर यूनिट का फंक्शन बनाते हैं बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर बेटा इतना ही होगा कि ऑर्गेनल एंड ऑर्गन सेल लेवल क्या होते हैं, टिश्यू लेवल क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हम इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे बेटा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।